मध्य प्रदेश के सीहोर में कुवेश्वर धाम में लाखों लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। महाशिवरात्रि के पर्व पर यहां पे लोगों को रुद्राक्ष बांटने का दावा किया जा रहा है और कुवेश्वर धाम में ये भी दावा किया जा रहा है कि जो लोग यहां पे पहुंचेंगे उनकी मनोकामना भगवान शिव पूरी करेंगे। पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा यहाँ पे कथा रची जा रही है, कथा की जा रही है, उसको सुनने के लिए और रुद्राक्ष लेने के लिए लगभग 20 लाख लोग अभी तक कुवेश्वर धाम पहुंच चुके हैं। हालांकि इतनी बड़ी संख्या में पहुंचने के बाद कानून व्यवस्था यहां पे पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है और यातायात पूरी तरीके से ठप हो चुका है। पहले तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये कुवेश्वर धाम से पहले की तस्वीर है। यहां पे लोग पूरी तरीके से जाम में फंस चुके हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पे पहुँचने का सिलसिला जारी हो चुका था, लेकिन व्यवस्था इतनी चौपट हो चुकी थी कि लाखों लोग परेशान हो चुके थे। तमाम ये दावा किया जा रहा था कि यहाँ पे जब लोग पहुँचेंगे तो यहाँ पे व्यवस्थाएँ चौक चौबंद की जाएगी, लेकिन पूरे दावे की पोल खुलती हुई नज़र आ रही है। लाखों लोग, पुलिस प्रशासन का दावा है कि लगभग कुवेश्वर धाम अभी तक 20 लाख से ज़्यादा लोग देश भर से यहाँ पे पहुँच चुके हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि एक लंबा ट्रैफिक जाम, यहाँ से करीब 15 किलोमीटर की दूर में कुवेश्वर धाम है, लेकिन ये जिस तरीके से गाड़ियां रुक रही हैं ये बता रही हैं कि पूरी तरीके से यातायात की स्थिति चौपट हो चुकी है। हालांकि पुलिस प्रशासन के द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि तमाम जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाई जा सके, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जब लोग यहाँ पे पहुँचे हैं तो आलम यह है कि पुलिस प्रशासन को भी पूरी व्यवस्था को संभालने में खासा पसीना छूट चुका है। हालांकि लोगों का ये भी दावा किया जा रहा है कि सुबह से मध्य प्रदेश की सरकार, जिला प्रशासन सहित अधिकारियों ने किसी भी प्रकार की उनकी कोई भी सुध नहीं ली है। ये तस्वीर है, मैं कुछ लोगों से बात भी करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आखिर जब यहाँ पे लोग पहुँचे तो किस तरीके की इनको व्यवस्थाएं मिली। सर कहाँ से आए आप लोग? महाराष्ट्र। काय के लिए? ओ, रुद्राक्ष लेने के लिए। रुद्राक्ष लेने के लिए कब से आए हुए हैं? सवेरे से आ गए। क्या खाने पीने की क्या व्यवस्था रही? इधर उधर तो गई नहीं है, जाने नहीं दिया गया आपको? क्यों, क्या बोला? नहीं, उधर भीड़ ज्यादा है इसीलिए उधर आगे गए नहीं, हम जाने नहीं दिया। तो सुबह? हाँ, नहीं गए नहीं हम। आप गए नहीं यहाँ पे? ठीक है, तो यानी यहाँ पे जब आप रुके तो यहाँ कुछ पुलिस प्रशासन की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से कुछ खाने पीने की कोई व्यवस्था की गई? नहीं नहीं, कोई अधिकारी बात करने आया आप? नहीं नहीं, कोई भी नहीं। फिर किस तरीके से आपका खाना रहा? तो वैसे वो टिफिन लाए थे, वही खाया हमने। बाबा जी का कहना था कि आपको खाना पीना सब मिलेगा, आपको आने जाने का सब आराम से होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। कौन बाबा जी? वो प्रदीप मिश्रा जी। हाँ। और अब यहाँ पे देखिए, आपको हर जगह जगह पुलिस वाले रोक रहे हैं। अब यहाँ से कह रहे हैं 7 किलोमीटर आप पैदल जाइए, कैसे जाएंगे? आप कहे के लिए आए थे? हमारे तो दर्शन करने आए थे। हाँ। रुद्राक्ष लेने आए थे जो बट रहे थे। क्या परेशानी थी जो आपको रुद्राक्ष लेना पड़ रहा था? हमारे पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती है। तबीयत ठीक नहीं रहती, उनको रुद्राक्ष बनाना है के लिए? नहीं, उनको टीबी है। हाँ। तो कहते हैं कि यहाँ पे मन्नतें पूरी होती हैं। हाँ। तो इसलिए आए थे हम। आप भी मन्नत के लिए आए थे? आप भी मन्नत मांगने आए थे क्या कुछ? और अभी पता चला है कि वहाँ पे लोगों की मौत हो गई है, मतलब डेड हो गए, 4-5 लोग खत्म हो गए हैं अंदर। हाँ, ठीक है, ये एक शोध का विषय है, लेकिन ये मैं और समझ लेता हूँ कि आखिर कुछ लोग और भी हैं जो यहाँ पे पहुँचे थे और उनके साथ किस तरीके से यहाँ पे व्यवस्था की गई, क्योंकि कई लोगों का यह मानना है कि जब रुद्राक्ष गले में आएगा तो लोगों की सेहत ठीक होगी, स्वास्थ्य मिलेगा, लेकिन इस दौरान जब यहाँ पे लोग पहुँचे और देश के अलग अलग कोने से जब पहुँच रहे हैं तो भारी अव्यवस्थाएँ यहाँ पे मिली हैं। आप कहाँ से हैं मैम? आप कहाँ से हैं? अमरावती। अमरावती से काय के लिए आए थे? रुद्राक्ष। रुद्राक्ष के लिए क्या समस्या है आपकी? कुछ नहीं मिला हमको, हम इतनी दूर से आए हैं लेकिन हमको कुछ नहीं फायदा हुआ। कोई फायदा नहीं। आप कहाँ से आए हैं? हम महाराष्ट्र शेगांव। शेगांव से? कुछ नहीं मिला रुद्राक्ष लेने? हाँ, रुद्राक्ष। क्या परेशानी थी जो आपको रुद्राक्ष लेना था? हम बाबा का रोज कथा सुनते हैं। हाँ। तो उन्होंने कहा था रुद्राक्ष वितरण है, तो हम आ गए, पर कुछ नहीं मिला, खाली आज जा रहे हैं। माता पहुँच ही नहीं पाए? नहीं, पहुँच ही नहीं पाए, बहुत भीड़। आप कहाँ से? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से आए? सुबह से क्या कुछ खाया पिया आपने? नहीं नहीं। प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन के कोई आया आपको? नहीं। बात करने? आप कहाँ से हैं? बनारस से। बनारस से आए? काय के लिए? रुद्राक्ष के लिए। हाँ। क्या मन्नत? बाबा के दर्शन। बाबा के दर्शन तो हो पाए दर्शन? कहाँ हो पाए। व्यवस्थाएं किस प्रकार से रही पूरी? हम लोग गए ही नहीं, अभी जा ही नहीं पाए। हम लोग यहीं रोक दिया गया। फिर अब पता नहीं, यहीं बैठेंगे देखेंगे। फिर रात को कहाँ रुकेंगे? यहीं पर रुकेंगे। और कहाँ? सड़क पे ही अब रुकेंगे या चले जाएंगे? फिर
अब वहाँ जब नहीं है साधने कुछ तो क्या करेगा। तो देखिए ये तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि लोग सोचे थे, मन्नत भी मांगना था और ये सोच भी थे कि आखिर क्यों यहाँ पे आए हैं। हालांकि मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ, काय के लिए आए थे सर? हम लोग रुद्राक्ष के लिए आए थे सर। क्या परेशानी थी? बहुत परेशानी है, कोई वहाँ ना पीने का पानी है, ना कोई व्यवस्था है, ना कुछ भी नहीं है, भूखे प्यासे रहे और इतनी पब्लिक की क्या बताए, बहुत ज्यादा बहुत अव्यवस्था। रुद्राक्ष क्यों चाहिए था? अरे वो तो महाराज जी ने बुलाया था, हमको चाहिए था, उसमें हमारी श्रद्धा है। क्या बोला था महाराज जी ने कि आप इस तारीख से इस तारीख तक रुद्राक्ष बटेगा? हाँ। तो आप आइए, हम लोग आए रुद्राक्ष लेने। हाँ। हमारी श्रद्धा थी इसलिए हम आए, लेकिन वहाँ कोई व्यवस्था नहीं, कुछ भी नहीं, न प्रशासन की तरफ से न समिति की तरफ से। अच्छा आप क्या बोल रहे थे, पानी का क्या बोल रहे थे? नहीं, पानी में उसको गला के उसका पानी पियो तो हर बीमारी ठीक होती है, इसलिए हम लोग आए थे। फिर आप जा पाए, दर्शन कर पाए? नहीं, हम लोग छोटे छोटे बच्चों को देखिए, तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें बता रही है कि ये छोटे छोटे बच्चे सड़कों पे सुबह से है, भूखे है, प्यासे है, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा, जिला प्रशासन से कोई हाथ रखने को तैयार नहीं है। बोले कुछ बस नहीं है, कुछ नहीं है सर। वहाँ पे वापस आए, कहाँ से आप? हम नागपुर से आए। आप नागपुर से आए? ये बच्चे आप कहाँ से? नहीं, हमारे साथ हैं, बैतूल से आए। आप कहाँ से? बैतूल से हैं। आप कहाँ से मैम? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से आप कहाँ से हैं? नागपुर से। आप कहाँ से? नागपुर से। नागपुर से आप कहाँ से? छत्तीसगढ़ से। आप कहाँ से? छत्तीसगढ़ से। ठीक है, ये देखिए, ये एक पूरी तरीके से स्थिति समझ में आ रही है कि भारत के अलग अलग कोने से लोग को यहाँ पे पहुँचने का सिलसिला जारी है। तो सुबह से जब आप आए हैं तो खाने को क्या मिला? क्या नहीं मिला भैया? कुछ नहीं मिला, पानी भी नहीं मिला, अभी मिला, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पानी को बिल्कुल, हम लोग बता रहे हैं पानी भी नहीं है बिल्कुल, पहुँच ही नहीं पा रहे। आप लोग क्या करने वाले हैं? आप क्या आपकी सोच है? क्योंकि अंदर जाने की स्थिति, अभी रोक खाना खा लेते हैं, अभी देखते हैं फिर। हाँ। रात को कहाँ रुकने की व्यवस्था है यहाँ पे आप लोग? हाँ, व्यवस्था है। हाँ। विश्वास मतलब है, जो विश्वास था हम हाँ। लोगों का, पर इसके ऊपर विश्वास था कि रुद्राक्ष मिल रहे हैं। हाँ। तो इसीलिए विश्वास था, विश्वास घात हो गया ना लोगों का, छोटे छोटे बच्चे लोग सब लेकर आ रहे हैं, कैसे आ रहे, इतने दूर दूर से आ रहे हैं, नागपुर से तो मिलना चाहिए, दर्शन तो दर्शन क्या, लोग भी विश्वास टूट गए, क्या इतना बड़ा भरोसा करके कि हमको मिले रुद्राक्ष, हर लोग है। बिल्कुल, लोगों का आशा थी, लोगों की विश्वास थी और ये सोच थी कि रुद्राक्ष जब उनको मिलेगा तो उनकी समस्याएं दूर होंगी। हालांकि समस्याएं को लेके जब यहाँ पे लोग पहुँचे तो ये स्थिति बनी कि दूसरी समस्याओं का यहाँ पे उन लोगों को सामना करना पड़ा। सरकार दावा कर रही थी, पंडित प्रदीप मिश्रा दावा कर रहे थे कि जब यहाँ पे लोग पहुँचेंगे पूरी व्यवस्थाएं उनके लिए मिलेगी, रुकने की, खाने का, साथ तमाम व्यवस्था की जाएगी, ये इन श्रद्धालुओं का कहना है। लेकिन जब यहाँ पर पहुँचे तो ऐसी कोई व्यवस्था उनको नहीं मिली है। आप कहाँ से? अमरावती से। कब से आए हुए हैं? कल से आए हैं हम। कल से कहाँ, यहीं पे? हाँ, यहीं पे है। तो यहाँ से आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा क्या? नहीं, पूरी पब्लिक की है, आगे कहाँ बढ़ने जाएंगे, हम तो वापस आए। वापिस आ गए? हाँ। आप लोग कहाँ से? हम उत्तर प्रदेश लखनऊ से। लखनऊ से? जी जी। क्या हुआ, आप लोग रुद्राक्ष लेने आए थे? हाँ, रुद्राक्ष। क्या आखिर रुद्राक्ष की क्या जरूरत थी, क्या समस्या थी? जो मेरे बच्चे का ट्रीटमेंट पीजीआई से चल रहा है। हाँ। तो हमने कथा सुना, उसमें बताया गया। हाँ। कि जो है आप इसका जो है लीजिए, आप प्रयोग करिए। हाँ। जो है इसको आप रखिए तो जो है उसको आराम मिलेगा। हाँ। तो अभी तो हम आए, लेकिन हमको तो पता चल रहा वहाँ जाने नहीं दे रहे हैं। हाँ। मैं बुक लेके पीजीआई के आया हूँ अपने बच्चे की। ठीक है, आप कहीं के लिए आए थे? हम दर्शन, क्या समस्या लेके आए थे? दर्शन के लिए आए थे। हाँ, दर्शन के लिए आए थे और दर्शन के लिए आए, दर्शन के लिए और रुद्राक्ष के लिए। तो देखिए, लोग अलग अलग समस्या थी, अलग अलग सोच के साथ यहाँ पे, आस्था और विश्वास के साथ यहाँ जरूर पहुँचे थे और ये तस्वीरें बता रही हैं। दर्शन भी नहीं हो रहे, बोलते कुछ हो रहे, करते कुछ हो रहे, ना तो लाइव बोल रही है बात। हमारे को तो दर्शन भी नहीं हुए और भगदड़ और मच गई, लोग बाग मर रहे हैं। हम तो बच्चे लेके परेशान है, ये बच्चों के साथ कब से ना हमने खाया है ना पिया, जो हाल हमारी है ना हम जानते हैं। साले बस वाले चूतिया है, साले आधे रास्ते पे उतारते, पैसे ऐसे ले रहे जैसे फ्री के आ रहे हो। तो क्या पैसे भी ज्यादा वसूले जा रहे हैं क्या आपको? टीवी के माध्यम से जो फ्री सेवा है, कुछ भी सेवा नहीं है, लोगों को चूतिया बनाया जा रहा है, नहीं मिला है पीने के लिए पानी तक, पीने के लिए पानी की बोतल कितने की मिल रही है यहाँ पे? या ₹20 बच्चे को लेकर, बच्चों ने खाया नहीं पिया, जो हाल है हमारी हमें पता है। देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे हो, यही आक्रोश है देखिए कि लोगों को बेवकूफ बनाया, दावा आरोप ये लगाया जा रहा है कि लोगों को बेवकूफ बना के यहाँ पे बुलाया गया, लेकिन उनको उनके ही हाल पे काय के लिए ली जा रहे हैं? ₹500 सवारी के, ₹500 एक एक सवारी के, ₹500 ले रहे हैं। रुद्राक्ष मिला आपको? नहीं,
दर्शन ही नहीं हुए, दर्शन ही नहीं हुए, वापसी आ गए। क्या समस्या थी जो रुद्राक्ष लेने आप आए थे? अरे भाई बारी-बारी समस्या, क्या समस्याएं थी? सब अपना दुख काटने आए थे क्या? चलो भाई चलो, रुद्राक्ष लेने चलो। के ऊपर इसलिए हम आए थे भैया यहाँ पे कि अपनी श्रद्धा है शिव जी के ऊपर, तो वो माध्यम से अपन ये पंडित प्रदीप मिश्रा के माध्यम से अपन यहाँ पे आए थे हम। तो हमारे सब बेहाल हो रहे। प्रदीप मिश्रा ने क्या बोला था आपसे? जो भी है तारीख से 22 तारीख तक का वितरण करेंगे, तो हम लोग श्रद्धा लेके आए। हम तो रात से निकले हुए, हमारे साथ बच्चे हैं, तो हमने उसको बच्चे हैं और पानी की व्यवस्था नहीं है, ना लाइट की, ना जाने आने की व्यवस्था नहीं है। कुबेश्वर धाम की तरफ से कोई व्यवस्था की गई आप लोगों? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। और यहाँ से कुबेश्वर धाम बहुत बहुत दूर नहीं हो रहा जैसे हमारे साथ हो रहा है। सच्चाई बता रही हूँ मैं आपको, जानवरों की तरह बिहेव हो रहा है, ये कौन सा तरीका है? तुमने अगर रुद्राक्ष पहनते हो जो भी रखा, आई थिंक तुम इंसान की व्यवस्था तो करते है, ऐसे जानवरों की तरह ट्रीट तो नहीं करते ना। बहुत बुरा हाल है, बच्चे मर गए, औरत मर गई, ये तो आपको पता ही होगा। अंदर भगदड़ भी मची हुई, आप अंदर से आ रहे हैं क्या? और क्या, कैसी स्थिति अभी अंदर? बहुत बुरा हाल है, कहीं कुछ नहीं है, दिखाया कुछ और है, दिखावा कुछ और है। ना पानी की व्यवस्था, ना चाय की, कुछ भी नहीं, इंसान मर जाए। अंदर से कौन कौन आ रहा है? अंदर से कोई और है कि जो आप लोग अंदर से घूमकर 10 किलोमीटर रह गया था, तो वहाँ से हम वापस आए, लेकिन यहाँ से लेके तो वहाँ तक हमारे बहुत बुरे हाल हो गए। नहीं हमको पानी मिला, नहीं हमको कुछ, गाड़ी लाइट की सुविधा नहीं, कुछ नहीं है, बैठने के लिए, खाने पीने के लिए कुछ नहीं। रुद्राक्ष है नहीं, 10,000 रुपए खर्चा करके नागपुर से यहाँ आया है, लेकिन उसके लिए 1 रुपए की कोई सुविधा नहीं हुई है। आप पैदल आ रहे हैं, पूरे इंसान फार्म में लगा देना था कि आज नहीं बटेंगे, 15 दिन के बाद बटेंगे, 8 दिन के बाद बटेंगे, महीना लगा देना था। लेकिन ये विश्वास नहीं देना था कि हम रुद्राक्षर बांट रहे, तुम आओ करके टीवी में क्यों अलाउंस करना? देखिए बिल्कुल स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है, और पहले एक बार वो तस्वीर देख ले की लगातार वहाँ से वाहनों का निकलने का सिलसिला शुरू है, और लोग यहाँ से जब निकल रहे हैं तो एक किस आस्था के साथ यहाँ पे पहुँचे थे, वो आस्था कैसा रहा आप लोग? अरे बहुत गजर है, पुलिस प्रशासन तो उधर है ही नहीं, नहीं है खाने पीने की कोई व्यवस्था, अरे कोई चीज की व्यवस्था नहीं। देखिए ये तरीका है, चलिए मैं आपको कुछ दूर और लेके चलता हूँ। लोग वहाँ से वापिस मायूस होकर लौट रहे हैं, और क्या उनकी प्रतिक्रिया है ये भी मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से वहाँ पे उन लोगों को दर्शन मिले या नहीं मिले, या वाकई जिस तरीके से कहा जा रहा है कि हम ठगे गए, क्या वाकई इस तरीके से? तो लोग सर कहाँ से आए आप? कहाँ से दर्शन हो गए? नहीं, कहाँ तक पहुँच पाए? कोई नहीं, हमारी पूरी फैमिली घूम गई है तो अंदर घूम गई है। हाँ, तो उनसे कोई संपर्क हो पा रहा है? नहीं, संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। कितने लोग घूम गए? 8-9 जन घूम गए। पुलिस से आप, प्रशासन से कोई बात हुई आपकी? बात हुई, फोन कर रहे तो आवाज नेटवर्क से बाहर है सब। हाँ। कितने घंटे हो गए घूमे हुए उनको? अब तो वो गए हैं 2 बजे से, तो अभी तक के ना कांटेक्ट हुआ है, ना कुछ हुआ है, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। देखिए ये बड़ी समस्या इस समय निकल के आ रही, क्योंकि लाखों लोग जब यहाँ पे पहुंचे तो बिछड़ गए अपनों से, और सिर्फ मध्य प्रदेश के नहीं, दूसरे राज्यों से भी लोग यहाँ पहुंचे थे, और जब वो बिछड़ गए तो अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अपनों की ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए ये तस्वीर है जो बता रही है। कहाँ से आए थे आप लोग? झांसी। हम लोग झांसी से आए। क्या हुआ, दर्शन हो पाए? नहीं, बहुत बुरी हालत, बेकार है उधर, बहुत बुरी हालत, जान बचा कर आए हम लोग तो। जान यानी ऐसी क्या स्थिति वहाँ पर? रुद्राक्ष लेने गए ना तो उधर पे ऐसे सब टूट पड़े, उधर एक एक करके नहीं बांट रहे थे, सबको फेंक रहे, तो एक के ऊपर एक जा रहे, उधर पे 2 साल के बच्चे की मौत भी हुई, और जान ऐसी हो गई कि हम लोगों को एकदम से एक दूसरे के बीच में फंस गए, बहुत तो जोर लग रही थी कि कहाँ जाए निकल के। बस आप लोग बच्चे को लेके पहुंचे थे? नहीं, हम लोग बच्चे को लेकर ही नहीं आए, हम गए भाभी के, गुम हो चुके हैं, और काफी लोगों के बच्चे भी खत्म हो चुके हैं। आप लोग के साथ भी कोई गुम हो चुका है? हाँ, हवाई जहाज ही गुम हो गए, तुम मिले गए, 2 घंटा बाद मिले। तो क्या क्या स्थिति आप अंदर अगर वहाँ पहुंचे थे? बहुत खराब है भैया, इतनी ज्यादा खराब है कि से समझ लीजिए कि आदमी के ऊपर आदमी लदा हुआ है वहाँ पे। हाँ। और गेट नंबर 2 और 3 के बाद तो और ही ज्यादा समस्या आ जाती है। हाँ। कोई सब मतलब पूरा लफड़ा है, कुछ नहीं है, जो भी यहाँ पे आए उनसे कहूंगा कि सब वापसी जाए अपने घर पे। जिस तरह लगातार सभी लोग ये कह रहे हैं कि प्रदीप मिश्रा जी पंडित है जो कथा कर रहे हैं, उनका ये कहना था कि आप लोग पहुंचे और यहाँ पे आपको सारी व्यवस्था मिलेगी। बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है, एक भी ना डाइनिंग है, ना पुलिस है, ना कुछ भी है, कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं है। तो पानी भी पिया? पानी मिला आप लोगों को? पानी पैसा खरीद खरीद के पानी ले रहे हैं, जो बोतल खरीद खरीद के। कितने की बोतल मिल रही है? 25 रुपए की दी वहाँ पे, 25 की। यहाँ पे भी प्लेट वो चल रहा है। सर बताओ, माल का 400 ले रहे हैं, जिसमें सुबह 100 में आए थे, अभी 400 मांग रहे हैं वापिस जाने के लिए, जाने के लिए। और बाकी वाहन भी नहीं मिल रहे, 20 किलोमीटर चल के आ रहे हैं हम लोग। हम भी उत्तर प्रदेश से आए हैं, अपने बच्चे का यहाँ पे पीजीआई में ट्रीटमेंट चल रहा है, उन्होंने कहा था रुद्राक्ष के लिए,
और सुबह की रुद्राक्ष पिला दो कि बच्चा ठीक हो जाएगा। सर उनकी कथा में ऐसा ही बोलते हैं कि रुद्राक्ष का पानी आप पिलाइए तो आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, बड़ी सी बड़ी बीमारियां उसे हो जाती हैं। हम भी 7 साल से अपने बच्चे की बीमारी से जूझ रहे हैं, तो हम भी यहाँ आस लेके कल से निकले हुए अपने घर से, और यहाँ आके पता चलता है कि कुछ बच्चे गायब हो गए, ना कुछ रुद्राक्ष, यहाँ से जाने को ही नहीं वहाँ मिल रहा है। तो अब बताइए हम लोग कहाँ पर जाए, ना हम अपने घर वापस जा सकते उत्तर प्रदेश अभी, और ना यहाँ पर कहीं रुक पा रहे हैं कि हम कहीं यहाँ पर रुकने की व्यवस्था हो। और बाकी उसमें तो वीडियो वगैरह में तो यही है कि निःशुल्क आप रुकिए, यहाँ खाने पीने के रहने की और व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। देखिए देखिए बिल्कुल अब स्थिति थोड़ी सी स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही है, और ये बात समझ में आ रही है कि लोगों को ये कहा गया था कि आप पहुँचे, रुकने की व्यवस्था की जाएगी, ठहरने की व्यवस्था की जाएगी, खाने की भी की जाएगी और पानी की व्यवस्था भी की जाएगी। लेकिन तस्वीरें जो बयां कर रही हैं कि आस्था के नाम पर एक बड़ा जनसैलाब जो उमड़ा पूरे देश से, लगभग पुलिस के दावे के अनुसार 20 लाख लोग अभी अंदर है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा अव्यवस्था जो है सामने निकल के आई है। सिर्फ पुलिस प्रशासन की ही अव्यवस्था नहीं, सरकार की भी गैर जिम्मेदारी, और ख़ास तौर पर प्रदीप मिश्रा पंडित जो कथावाचक है, जो ये दावा कर रहे थे कि रुद्राक्ष से बीमारियों को हम ठीक कर देंगे, यहाँ पे जब लोग पहुँचे तो लोग बीमार हो गए, क्योंकि ना खाने को कुछ था ना पीने को कुछ मिला। कैमरा पर्सन सुरेश कटियार के साथ अतुल शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए MP स्वराज।